दोस्तों, इस समय हम देख रहे हैं शी हल्क वेब सीरीज और आज हम देखेंगे इस सीरीज का थर्ड एपिसोड। अगर आपने पिछले दो एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जैन को नई जॉब मिलती है और उसका पहला ही केस ब्लॉन्स्की का है। जैन ब्रूस से बात करने के बाद केस ले लेती है पर ब्लॉन्स्की एबोमिनेशन बनकर जेल तोड़कर भाग जाता है। अब हम देखेंगे आगे की कहानी। हम देखते हैं कि जैन वापस जेल जाती है जहां ब्रॉन्स्की कैद था और जब वो वहां पहुंचती है तो जेल में ब्रॉन्स्की अपने ही सेल में होता है। जैन उसका केस लड़ने वाली है और वो जेल से भाग चुका था, इसलिए वो उस पर गुस्सा होती है कि वो जेल से क्यों भागा। इस पर ब्रॉन्स्की कहता है कि वह भागा नहीं था बल्कि उसे जबरदस्ती जेल से भगाया गया था, लेकिन वो खुद ही वापस आ गया। जैन ब्लॉन्स्की से पूछती है कि इतनी टाइट सुरक्षा होने के बाद भी उसे किसने भागने पर मजबूर किया। तब ब्लॉन्स्की बताता है कि वह गुप्त कलाओं के सोर्स ऑफ सुप्रीम है जिसका नाम है वोंग। अब जैन के कहने पर उसकी फ्रेंड निक्की वोंग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है और जैन को बताती है। जैन निक्की से कहती है कि वो वोंग से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करे। अब न्यूज में दिखाया जाता है कि एमिल ब्लॉन्स्की को पैरोल पर छुड़वाने की जिम्मेदारी जेनिफर वॉल्टर को दी गई है और सभी उसके शी हल्क वाले अवतार के बारे में बात करते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल की डिबेट, हर जगह शी हल्क के बारे में ही बात हो रही होती है। अब वो ऑफिस पहुंचती है जहां उसका बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है। जैन कैबिन में पहुंचती है जहां उसका पुराना साथी डेनिस भी होता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट सुपर हीरोज की केस के लिए बनाया गया है और डेनिस यहां अपना एक केस लेकर आता है जिसे वो जैन को देने से बिल्कुल मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि जैन उसका केस लड़े। असल में डेनिस की एक एक्स गर्लफ्रेंड है और अब उनका ब्रेकअप हो चुका है और डेनिस अपने पैसे वापस चाहता है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर उसने खर्च किए थे। मिस्टर हॉलवे बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड एसगार्ड की रूप बदलने वाली लाइट एल्फ है जिसका नाम लूना है। असल में डेनिस को लगा था कि वह ग्रेमी अवार्ड विनर मैगन दी स्टेलियन है और वो उसे डेट कर रहा है क्योंकि वो उसी के रूप में डेनिस के सामने आती थी। और यह सुनकर जैन बहुत हंसती है। तभी वहाँ वोंग आ जाता है और कहता है कि उसे जैन का मैसेज मिला था। वो दोनों वहाँ से चले आते हैं और जैन के कैबिन में आते हैं। वहाँ वोंग बताता है कि ब्लॉन्स्की सही कह रहा है, वो जेल से नहीं भागा था बल्कि मैंने ही उसे जेल से भगाया था, क्योंकि सोर्स ऑफ सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग के लिए उसे एक टक्कर के दुश्मन की जरूरत थी। वो जैन से कहता है कि यह मेरी गलती थी, इसलिए उसकी सजा ब्लॉन्स्की को नहीं मिलनी चाहिए। इस पर जैन कहती है कि सजा देना या माफ करना उसका अधिकार नहीं है। वो वोंग से कहती है कि उसे जूरी मेंबर के सामने ये गवाही देनी होगी कि उसी ने ब्लॉन्स्की को यहाँ से भगाया था। वोंग मान जाता है और यहाँ से चला जाता है और वह कहता है कि गवाही के समय वहाँ पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ पग, जो कि सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन में ही काम करता है, वह डेनिस से केस के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और डेनिस से पूछता है कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर कितना खर्चा किया होगा। डेनिस बताता है कि उसने लगभग $175,000 खर्च किए हैं। असल में पग ही डेनिस का केस लड़ रहा है। अब वहाँ से डेनिस चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और पग से कहता है कि वो केस नहीं लड़ना चाहता। वो कहता है कि मैंने उसे जो कुछ भी दिया वो सब अपनी मर्जी से दिया है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तभी पग को एक कॉल आता है और वो कॉल होता है डेनिस का। तभी पग समझ जाता है कि उसके सामने डेनिस के रूप में लाइट एल्फी है जो अपना रूप बदल सकती है और डेनिस की एक्स है। पग सिक्योरिटी को बुलाता है, तभी वो पग के रूप में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब सीन बदलता है और एबोमिनेशन की जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज ब्लॉन्स्की की पेरोल के बारे में सुनवाई होनी है। न्यूज में यह बात दिखाई जाती है कि एवेंजर ने शी हल्क को अपनी टीम में शामिल करने से रिजेक्ट कर दिया है। अब सुनवाई शुरू होती है और जूरी मेंबर जैन से पूछते हैं कि अपनी न्यूनतम सजा काटने के बाद क्या मिस्टर एमिल ब्लॉन्स्की समाज में रहने लायक हैं या नहीं। वे कहते हैं अभी हाल ही में जेल से भागने के बाद उन्हें पता है कि उन्हें क्या फैसला देना है, इसलिए वो सुनवाई जल्दी खत्म करने को बोलते हैं। तभी जैन कहती है कि उसके पास गवाह है जो बताएंगे कि ब्लॉन्स्की जानबूझकर जेल से नहीं भागा बल्कि उसे भगाया गया था। वो वोंग के बारे में बात कर रही है। जैन पहले ब्लॉन्स्की को गवाही देने के लिए कहती है। जूरी मेंबर उनसे कहते हैं कि वो पहले उन्हें विश्वास दिलाए कि वह बदल चुका है। इस पर ब्लॉन्स्की कहता है कि वह अपने पुराने कामों से काफी शर्मिंदा है पर अब वह बदल चुका है। अब जैन कहती है कि ब्लॉन्स्की बदल चुका है और वह समाज की तरक्की में अपना योगदान देना चाहता है और वो एक मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहता है। अब बहुत सारे लोग ब्लॉन्स्की की अच्छाइयां बताते हैं और उसके फेवर में गवाही देते हैं। वहीं जैन वोंग का वेट कर रही होती है और तभी जूरी मेंबर उसे ब्लॉन्स्की के जेल से भागने वाला वीडियो दिखाते हैं और भागने की वजह पूछते हैं। जैन कहती है कि वो हालातों के सामने मजबूर थे। तभी वोंग वहाँ अपनी गवाही देने आ जाता है। तभी वोंग जूरी मेंबर से पूछता है कि क्या वो कुमेटी के बारे में जानते हैं और सभी लोग मना कर देते हैं। अब सीन बदलता है और हमें एक दूसरा कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ डेनिस का केस चल रहा होता है।
वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम लूना है, उसकी वकील कहती है कि उस पर लगे सारे आरोप झूठे हैं और उसे उस केस से बरी कर दिया जाए। और वो न्यू एसगार्ड में रहती है और उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। अब डेनिस का वकील पग जज से $175,000 हर्जाने की मांग करता है। जज केस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहीं आज की सुनवाई खत्म हो जाती है और जज चले जाते हैं। तभी लूना सबसे छुपकर जज का रूप लेकर उनकी कुर्सी पर बैठ जाती है और कहती है कि वो इस केस को खारिज कर रहे हैं, पर सभी समझ जाते हैं कि ये जज नहीं है और लूना है, और वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। लूना को लगा था कि सभी उसे जज समझेंगे और केस खारिज हो जाएगा, इसलिए वो जज के रूप में आती है और सभी समझ जाते हैं और उसकी पोल खुल जाती है। वहीं दूसरी ओर वोंग अपनी गवाही दे देता है और जूरी को बताता है कि ब्रॉन्स्की जेल से नहीं भागा था और उसी ने ब्रॉन्स्की को वहां से भगाया था। अब जेन अपनी दलील रखती है और कहती है कि अगर उसे भागना ही होता तो वापस जेल में क्यों आता। तभी ब्रॉन्स्की अपना रूप बदलकर एबोमिनेशन बन जाता है और वहां सभी डर जाते हैं। ब्रॉन्स्की बताता है कि वह पूरे कंट्रोल में है। जैन उसे वापस रूप बदलने को कहती है और वह वापस नॉर्मल हो जाता है। अब जैन कहती है कि वह सभी से माफी मांगती है, पर इससे ये साबित होता है कि मिस्टर ब्रॉन्स्की जब चाहते जेल से भाग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी सजा पूरी की, और इससे ये साबित होता है कि वे पूरी तरह कंट्रोल में है और पूरी तरह बदल चुके हैं। और जैन जूरिस से ब्रॉन्स्की को जेल से रिहा करने के लिए कहती है। जूरिस आज की सुनवाई यहीं खत्म करते हैं और कहते हैं कि वो फैसला अगली सुनवाई में करेंगे। और वे वोंग से कहते हैं कि उसने एक अपराधी को जेल से भगाया है और ये एक संगीन जुल्म है। इतना सुनते ही वोंग वहां से चला जाता है। अब जेल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां मीडिया वाले जैन से अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, पर वो जवाब दिए बिना वहां से निकल जाती है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैन और उसकी फ्रेंड निकी एक बार में बैठकर बात कर रहे हैं। तभी वहां पग आता है और वो जैन से कोर्ट में गवाही देने के लिए कहता है। दूसरे दिन कोर्ट रूम में जैन जज के सामने गवाही देती है और डेनिस ये केस जीत जाता है। जज रूना को $175,000 वापस करने के लिए कहते हैं और साथ में रूना को 60 दिन की जेल की सजा भी होती है, क्योंकि उसने जज का रूप बनाकर उनकी कुर्सी पर बैठकर उनका मजाक उड़ाया था। अब दूसरे दिन फिर ब्रॉन्स्की के केस की सुनवाई शुरू होती है। जूरी मेंबर कहते हैं कि वो ब्रॉन्स्की का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए उसे पैरोल पर रिहा करते हैं, पर वे कुछ शर्त भी रखते हैं, जैसे वो कभी भी ब्रॉन्स्की से एबोमिनेशन नहीं बनेगा और हमेशा इन्विएटर का यूज करेगा। इन्विएटर वो डिवाइस है जिसमें रूप बदलने को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एपिसोड 1 में हल्क ने जैन को दिखाया था। अब न्यूज चैनल में शी हल्क को डिबेट के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद वो घर आती है जहाँ कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, पर तभी वह शी हल्क बन जाती है। वो सभी उस पर हमला करते हैं पर वो सबको पीटने लगती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग शायद उसे कोई इंजेक्शन लगाना चाहते थे, पर इंजेक्शन की सुई टूट जाती है और वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। और आखिरी में एक आदमी अपने साथियों से कहता है कि बॉस अब उन्हें नहीं छोड़ेगा, और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर किसने इन गुंडों को यहाँ भेजा था और वो शी हल्क को क्यों मारना चाहता है? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।